Welcome back to my channel. This is your friend Honey. Guys, आज बेटे के स्कूल में ओपन डे है, बुक फेयर लगा हुआ है, तो वही दिखाने के लिए सब पेरेंट्स को इनवाइट किया गया है. तो सुबह इनफैक्ट गाइज मैं रात भर सो ही नहीं थी, फिर भी मैं सुबह आई. मेरे को नींद बहुत आ रही थी, पर मुझे पता था कि बेटे के लिए जाना बहुत इंपॉर्टेंट है. पता तो चले वो पढ़ाई कैसी करता है. तो आज आए हैं तो बहुत कुछ देखना है कि कैसी पढ़ाई कर रहे हैं कैसी नहीं है, वो तो जाके ही मालूम पड़ेगा. अभी तो हम लोग, मैंने कार थोड़ा बाहर पार्क कर दी है, अभी हम लोग जा रहे हैं. और गाइस बेटे का जो स्कूल है ना, वो थोड़ा काफी जंगल जंगल सा एरिया है वैसा है. इधर से दिखाना तो इधर से पता चलेगा कितना मस्त जंगल एरिया है. ऐसा लगता भी नहीं कि स्कूल है, पत्थरों की बाउंड्री लगी हुई है, पत्थर. तो गाइस चलिए अंदर चलते हैं, फिर देखते हैं बेटे का स्कूल और उनकी पढ़ाई वगैरह. गाइज अब जब हम लोग अंदर एंटर करे तो टीचर्स लोग सब पेरेंट्स को एक्सप्लेन कर रहे थे कि किस मेथड से वो लोग पढ़ाते हैं बच्चों को. तो मॉन्टेसरी के काफ़ी अलग अलग टाइप का मेथड होता है जो हम लोग नॉर्मली स्कूल में नहीं देखते हैं. हम लोगों ने भी इस तरीके से पढ़ाई कभी नहीं की, तो हमने देखा कि बेटू को क्या क्या आता है क्या नहीं. तो मैम बेटू से पूछ रही थी, बेटे ये करके दिखाओ वो करके दिखाओ, तो बेटू वही सब दिखा रहा था. कुछ अलग अलग मतलब कलरफुल रखे होते हैं बॉक्स में, ऐसे शेप्स होते हैं सर्कल स्क्वायर, ये सब उनको आँख बंद करके कुछ पहचानना होता है. वो इस तरीके से करने से उनको वो जो भी कलर शेप्स होते हैं वो सब उनके माइंड में सेट हो जाते हैं. तो इस तरीके से बेटू आँख बंद करके कुछ कुछ देख रहा था, करके बता रहा था हमको. मुझे इतना समझ में आ नहीं था, इसके डैडी को समझ में, क्योंकि मेरे दिमाग था रिकॉर्डिंग में. Smart. What is this? Drawing? Shape. Which shape is this? Chameleon, triangle, circle, trapezium, roses, square, pentagon, rectangle, triangle, oval, and circle. Oh guys, ये कुछ colorful sticks जैसे कुछ होते हैं. इनको पता नहीं कलरफुल रॉड बोलते हैं क्या बोलते हैं पता नहीं. तो ये एडिशन का तरीका है दरअसल. इनको बच्चों को इसकी हेल्प से एडिशन करना सिखाते हैं. हमारे टाइम में तो कैसे रट्टा मरवाया जाता था और क्या क्या किस तरीके से पढ़ाया जाता था, यहाँ पे बच्चों को इस तरीके से ये एडिशन वगैरह सिखाया जाता है. तो वो बेटू करके दिखा रहा था और गाइस मैं इतनी मतलब खुश थी क्योंकि सब बता रहा था अच्छे से. गोल्डन बीड्स देन What is this then? Counting. Game counting. अच्छा game counting. What is golden beads then? Change game. Change. अच्छा अच्छा अच्छा. This is golden beads. Can you do this? Give me 300. 300. Thank you. Give it back. Good. Give me 4 tens. Thank you. Keep it back. Guys, यहाँ पे भी ये colorful beads होते हैं. इनकी help से बच्चों को addition सिखाई जाती है. तो बेटू से जो भी पूछ रहे थे वो बता रहा था सही सही. मुझे इतनी खुशी हो रही थी, मुझे लग रहा था ये बस ड्राइंग करता रहता है, पर ये स्कूल में एक्चुअल में पढ़ाई कर रहा है. ये चीज़ मेरे को उस दिन जाके मालूम पड़ गई. ये बहुत अच्छा किया जो मैं आ गई इसके स्कूल, नहीं तो मेरे को कभी मालूम नहीं पड़ता. And
करोजन नहीं करोजन सो थ्री साइड्स आर सेम वी कॉल इट एज इक्विलेटरल ट्रायंगल यस इफ टू साइड इज सेम एंड वन साइड इज डिफरेंट वी कॉल इट एज आइसोसेलिस इफ थ्री साइड्स आर डिफरेंट स्केलिंग ट्रायंगल सो वी स्टार्ट विद फोनेटिक स्पीकिंग दिस सो ऑगल लॉग वंडरफुल ऑट पॉट हम एट कैट Wonderful, you can read all. Very good. Can you read this one? This is also a complication. Ooh, ooh. Ooh, ooh. Shall you read one sleep? Huh? Shall you show Papa? Pool, pool. Pool, very good. Now one. Root, root. Wonderful. Any other sound you want to show Papa? Any other sound? What sound is this? L. L. Let's read one. S. E. I. L. Sil. Sil. M. I. E. L. Mil. Wonderful. The. The. At. Mad. But the is? The is article. Mat is? Noun. Noun. Okay. No, we are not keeping it here, just for show. N. N. O. O. L. Owl. The. Yeah. N. Keep in the place. Noun? Where is the noun? You have to keep the noun in the noun's place. Yes. Very good. This one? Where is land? Where is water? Rough. The rough is? Land. This is? Water. This is? These are? Continents. These are? Ocean. Water surrounded by land is called? Lake. Wonderful. These are the crafts. What is this? Jacket. Shoes. Shoes. Okay. Shoes. Okay. And what is this? Tub. Okay. Yeah. Still here. पढ़ने क्या करो ना पढ़ने अभी उससे वो कंपाउंड वर्ड है ना अभी वो उस पे आया नहीं जिस चीज पे नहीं आया उस चीज को फोर्स मत करो व्हाट इज दिस बेटू व्हाट इज दिस लैंड लेक गाइज ये इंडिया का इनको इस तरीके से मैप दिया जाता है ये पूरा उठा उठा के इसको इसके सारे स्टेट्स वगैरह ये लोग ऐसे लर्न करते हैं तो बेटू को सारे याद हैं इंडिया के सारे स्टेट्स पता हैं उसको तो वही उसके डैडी उसको पूछ रहे थे तो वो बारी बारी से एक एक बता रहा था और हम लोग के टाइम में कहाँ हमको स्टेट इतनी सी उम्र में आती थी लेकिन मोंटेसरी के बच्चों अलग टाइप का ही उनका पढ़ाने का तरीका होता है तो बच्चों को इतना ईजिली लर्न हो जाती हैं हर चीज़ें इनफैक्ट लोग शॉक्ड हो जाते हैं जब ये स्टेट्स बताता है इंडिया के काफ़ी लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि इतना छोटा बच्चा उसको और गाइस ये बच्चों ने मॉडल वगैरह बनाए थे इनफैक्ट आधी चीज़ मैंने शूट भी नहीं की क्योंकि मेरा वीडियो वरना लंबा हो जाता बच्चे एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे थे वो भी मैंने भाई बेटू को दिखाया था और यहाँ पे भी बेटू लोगों से पूछ रहा था व्हाट इज़ दिस व्हाट इज़ दिस और एक दो जगह उसको पता था कि दिस इज़ विंड मिल ऐसे उसको भी पूछा था तो वही जवाब दे रहा था बेटू भी और वगैरह बच्चे कर कर के दिखा रहे थे ये ऐसे करता है ये ऐसे करता है वर्क ये ऐसे करता है तो बेटू को काफ़ी इस चीज़ से नॉलेज मिली इनफैक्ट हमको भी पता चला कि अच्छे से पढ़ाई चल रही है उनकी गाइज ऐसे ना बच्चों के स्कूल में जाके ना हमेशा देखते रहना चाहिए टाइम टू टाइम अभी तक केवल उसके डैडी जाते थे सिर्फ उसको लेने के लिए पर उस दिन जब पेरेंट्स को बुलाया गया तो बहुत अच्छा हुआ जो हम लोग गए और हमको पता चला कि हाँ बच्चों के साथ अच्छे से ही मतलब वहाँ पर सब चल रहा है कुछ लापरवाही नहीं है इनफैक्ट वो लोग खुद बोलते हैं कि घर पर आप इनको होमवर्क कभी मत कराइए वरना बच्चा कन्फ्यूज़ हो जाता है क्योंकि हमारा जो पढ़ने का तरीका था पहले का हम उसी वे में पढ़ाएंगे तो बच्चा कन्फ्यूजन तो उसको हो जाएगा बच्चे को तो इसलिए उन लोग मना करते हैं उस दिन भी इनफैक्ट उन्होंने मना किया कि हम बच्चों को तभी स्कूल के लिए मतलब जितना पढ़ाई करते स्कूल में करते होमवर्क नहीं देते वो यही रीज़न है उसका और गाइज़ ये बाहर ग्राउंड में बेटू के ग्राउंड में यहाँ पे लगे हुए थे बुक्स के एग्जीबिशन लगे हुए थे कि यहाँ पे बच्चे अपने एज के हिसाब से बुक्स ले सकते हैं बट अनफॉर्चुनेटली बेटू को कुछ पसंद नहीं आया वैसे तो वो ड्राइंग व्राइंग वाली बुक्स लेता है तो वो तो नहीं लेंगे बहुत हैं तुम्हारे पास ये बेटे के स्कूल में डक क्या कर रही हैं पॉन्ड भी है देखो उनका पॉन्ड है देखो देखो वो लोग मुझे लग रहा है उनको भूख लग रही है
यहाँ इतना जंगल है बाप, शेर चीते राज है। नेचुरल नेचुरल जगह पे स्कूल ऐसा बनाते हैं वो लोग, ताकि बच्चे को नेचर में रहने का मौका मिले, बच्चे के नेचर में ही बच्चे सीखते हैं। क्या कर रहे, मत तोड़ो। अरे वो लीफ दे रहा है डॉक्टर, दूर से दूर से दूर, ये लीफ खाएंगे, दूर से दूर कम कम कम, डर इतना लगता है। पॉन्ड है अंदर, कितना बड़ा मटका रखा है, मतलब पॉट है, पॉट है, पॉन्ड है। यहीं से सुबह एंट्री मारते हैं। ट्री तो यहाँ पे जबरदस्त ट्री, ये देख बीच में जामुन ट्री भी लगा है, ये इनका प्लेग्राउंड है। वो एक बीच में जामुन ट्री है, उसके पीछे वाला जामुन ट्री है, क्योंकि मैं इसे पहले छोड़ने जब आता था तो जामुन ही जामुन पड़े रहते थे जमीन पे। ये इसका प्लेग्राउंड है बेटे। ये क्या है देखो, ये बताओ, मम्मा को बताओ, चित्रकला होबली। यहीं पे क्या होता है, यहाँ पे हिंदी सिखाते हैं। आओ दिखाओ दिखाओ अंदर चल के, और क्या, ये सब इनके क्लासरूम्स हैं, ये भाई इनके क्लासरूम्स हैं, हिंदी सिखाते हैं। कहाँ पे हिंदी सिखाते हैं, यहाँ बिठा लेते हैं, यहाँ पे बिठा के राउंड में, बहुत अच्छा लगता है। एक बात है यार, यहाँ पे गर्मियों में गर्मी नहीं लगती है शायद ना, बहुत अच्छा लगता है बेटे, यहाँ हिंदी सिखाते हैं। और यहाँ सांप बिच्छू भी तो निकलते होंगे। सांप बिच्छू कुछ नहीं होते, वो तो फिर यहाँ पे वर्कर्स रहते हैं ना, वो लोग करते हैं सब कुछ इंतजाम। वाह यार कसम से, ऐसा स्कूल होगा तो फिर बच्चे कैसे नहीं पढ़ेंगे, है ना, कितना मजा आता है स्कूल में। पार्क नहीं होता, आ जाओ, हाँ चल चल चलो ट्री हाउस पे चलते हैं। बच्चे चढ़े हुए, चलो। सीधी आर्किटेक्चर यार, स्कूल कितना जबरदस्त बनाया है, ये देखो ट्री हाउस बनाया है बच्चों के लिए, जबरदस्त। That is skating ring, I think. वो skating ring है क्या? Yes. See the tree house. सात्विक कहाँ है? अंदर जा रहे हैं उसके ऊपर। सात्विक, जाओ जाओ, go 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 up, go up go up. Tree house में जाओ। Go up सात्विक. सात्विक. Leave it Satvik. Go up Satvik. Go up. ये देखो थकान में चूर हो चुकी है, देखो कहाँ जाके एकांत में बैठी है, और सात्विक टीवी हाउस पे एंजॉय कर रहा है। सात्विक फिर से जाओ, मैं इधर से लूंगा, इधर से आओ, जल्दी जल्दी। ये देखिए गाइस, क्या जबरदस्त ट्री हाउस बनाया है बच्चों के लिए, ये देखिए। हेलो सात्विक, अच्छा मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, रुको मैं आ रहा हूँ आपके पास। कहाँ हो सात्विक? वो बहुत छोटा है। सात्विक तो मैं इधर से आ रहा हूँ, आप कहाँ पे हो? ट्री हाउस में। ट्री हाउस में मजा आ रहा है? कम डाउन स्लोली, नीचे आ जाओ। अच्छा लगा स्कूल ट्री हाउस का, आ जाओ, गुड बॉय। ट्री हाउस में आने देती है मैम रोज? रोज तो सर, कभी कभी। और ये स्केटिंग रिंग है? मुझे क्या पता, स्केटिंग ग्राउंड है। हाँ, और मम्मा देखो कहाँ बैठी है, मम्मा चलो लेट्स गो। हाँ वेरी गुड, हाँ आ जाओ। देखो स्कूल में कितनी मस्ती छाट रहे हैं बच्चे, नहीं तो बच्चे यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं है, पूरा पेड़ ही पेड़ है बहुत आगे तक। ये सब इनके लैंड होगी ना, ये सब इनकी लैंड है, देखो जंगल पड़ा है पूरा, पीछे पीछे पूरा जंगल पड़ा है। यस येलो लीफ, बिकॉज वो ड्राई हो गई है ना, इसलिए येलो हो गई है, वैसे ग्रीन होती है फिर ड्राई होके येलो हो जाती है। आ जाओ चलो चलो, कम घर चलते हैं अब, चलो। ये ग्राउंड है इनका फुटबॉल ग्राउंड, ये स्केटिंग रिंग है, वो कुछ और ऑडिटोरियम टाइप का है, ओपन एयर ऑडिटोरियम, बहुत सही है यार। तभी तो बच्चे यहाँ पे
आके जाने का मन नहीं करेंगे कभी भी. डे कमिंग. क्या कर रहे हो इसमें? व्हाट इज दैट बेटे? चोट लगी थी. पेंसिल वाली कांटे लग रही हैं. पेंसिल वाले कांटे लग रहे हैं. अब घर चलते हैं. घर चल रहे हैं बेटे. भूख भी लगी. सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया. चाय बिस्किट किया ना? तुमने किया, मैंने तो सिर्फ चाय पिया था. तो अभी जल के अभी नाश्ता कर लेना. ये देखो सब बच्चे एक्सपेरिमेंट्स करने में लगे हुए हैं यहाँ पे. अभी मैं कहूँ इतना क्यों बड़बड़ा रहे हैं स्कूल जाने? हाँ एक भी दिन मिस हो जाती है तो फिर कैसे करता है? हो जाता है. तभी हमको झूठ बोलना पड़ता है. ये रेलवे ट्रैक भी दिखा दो. रेलवे ट्रैक थोड़ी है. दिखा तो दो. बाय बाय बुक फेयर. चलो आज गाइज हम लोग जा रहे हैं घर वापस. देखते हैं बीच में कोई रेस्टोरेंट में अगर कुछ खाने को मिलेगा तो खा लेंगे इडली वगैरह, क्योंकि ब्रेकफास्ट नहीं किया है. और गाइज रात भर मैंने सोया नहीं है बिल्कुल. तो बट वही सुबह आना जरूरी था बेटे के स्कूल में, वरना तो मैं सो ही जाती सुबह. बट मैंने कहा कि स्कूल जाना ज़रूरी है तो मैं आई मजबूरी में. बट यहाँ पे आके मुझे एक्चुअली पता चला कि चलो मेरा बेटा पढ़ रहा है. इसका मतलब पहले मुझे ये लगता था पूरा दिन ड्राइंग करता रहता, पता नहीं स्कूल में क्या करता है. बट गाइज उसको बहुत कुछ आता है तो मेरे को तसल्ली है इस बात की. और हम लोग जा रहे हैं अभी कोई रेस्टोरेंट वगैरह देखते हैं, कुछ इडली विडली खाएंगे. गाइज मेरे बेटे का स्कूल कैसा लगा जरा मुझे बताना ज़रूर कमेंट करके. और मेरा वीडियो आज का पसंद आया हो तो लाइक दीजिएगा. मिलेंगे आप लोगों से अपने अगले व्लॉग में. तब तक के लिए मुझे दे दीजिए इजाज़त. सायोनारा बेटे. बाय बाय करो. बाय बाय. इज अ वेरी गुड बॉय बॉय. गर्मी लग रही है. अच्छा तुम्हें बाय कर दो. बाय बाय. और चेहरा नजर नहीं आ रहा. बाय बाय. ठीक है बस करो.